फ्रेंड्स, सीमाज कुकिंग पैराडाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं राखी के अवसर पर 10 मिनट में सिर्फ 3 सामान से बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत आसानी से बन जाती है। आइए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें, जिससे मेरी नई वीडियो आप तक पहुँच। ये मैं 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। मैं इसमें 2 कटोरी नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। आप नारियल के बुरादे का नाप किसी भी कटोरी से ले सकते हैं, लेकिन आप जिस भी कटोरी से लें उसी से आपको चीनी और दूध को भी नापना पड़ेगा। अब इसे आप लगातार हिलाते रहें और गैस को हमेशा सिम पर ही रखें। बुरादे को सिम गैस पर अच्छी तरह से आप भून लें और गैस को हमेशा सिम ही रहें और लगातार इसको चलाते रहें। अब मैं इसमें 1 कटोरी दूध डाल रही हूँ। मैं उसी कटोरी से दूध डाल रही हूँ जिससे मैंने नारियल का बुरादा नापा था। अब इसे आप लगातार चलाते रहें। मैं 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। इससे बिल्कुल ही खोए का टेस्ट आता है और आप इसे लगातार चलाते रहें। नारियल ने दूध को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। मैं 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। आप इसे अच्छी तरह से चलाते रहें जिससे कि ये जल ना जाए। गैस को थोड़ा मीडियम फ्लेम पर कर लें जिससे चीनी थोड़ी घुल जाए अच्छे से। आप इसको लगातार चलाते रहें। देखिए, अब ये गाढ़ा होने लगा है और ये आपस में सेट होने लगा है। अब देखिए, हम इसे 1 प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा ये मिश्रण ले रही हूँ। इसे हाथ पर लेकर आप ऐसे घुमा लें, गोल गोल घुमा लें और फिर इसे आप हाथ में ऐसे ऐसे घुमाएं गोल। इससे ये बिल्कुल गोल शेप पकड़ लेता है। अब मैंने 1 प्लेट में थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया है। मैं उसमें इसको डाल दूंगी और इसके ऊपर से कोटिंग कर देंगे। और इसको एक बार फिर से घुमा देंगे। ये देखिए, ये मेरा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। गुड बाय।